नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप बताइएगा जरूर। और आज हम आपको एक बहुत सुंदर जगह ले जा रहे हैं, लाइमस्टोन कालो डांडा, पुराना नाम कालो डांडा भी है इसका। बने रहिए, पूरे वीडियो लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा समय निकाले और देखिए, पूरा वीडियो देखिए। तो चलो चलते हैं आज की एक नई जर्नी पे और दिखाते हैं आपको बहुत सुंदर सुंदर दृश्य। तो हम निकल चुके हैं लाइमस्टोन के लिए। यह है फतेहपुरी, दुगढ़ से थोड़ा आगे है। बहुत सुंदर सुंदर होटल बन गए हैं फतेहपुरी से आगे, नदी के बिल्कुल सटे हुए दोनों साइड में बढ़िया बढ़िया होटल बने हैं। और चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको बहुत कुछ आज की वीडियो में। बढ़िया बढ़िया होटल बने हुए हैं और यहाँ काफ़ी पर्यटक आने लगा है। शनिवार इतवार को तो लगभग होटल 99% फुल होते हैं। ये दिल्ली NCR वाले आते हैं, सैटरडे संडे को टूरिस्ट आता है। ये देखिए बहुत सुंदर होटल बने हुए हैं, बिल्कुल नदी के किनारे लगे हुए सुंदर सी जगह। हम आपको ले चलते हैं, चलते रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज़। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, आपके सहयोग से ही हमें करने का मौका मिल पा रहा है। आप देखते रहिए। लाइमस्टोन के आसपास पहुंच गए हैं। यहाँ से लाइमस्टोन लगभग अभी लगभग 7-8 किलोमीटर आगे। देखिए रास्ते में पूरे जंगल में सुंदर सुंदर होटल बन गए हैं, पूरे जंगल में। रास्ते पे पूरा जंगल ही है, बीच बीच में अच्छे हरी भरी वादियां हैं, चीड़ पाइन के पेड़ हैं, बांज बुरांस चीड़ देवदार सब मिलेंगे आपको यहाँ पे। वन विभाग की चौकी भी है। और प्लीज देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि हम जो है के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना पाए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज, इससे हमें थोड़ा एनर्जी मिलती है, थोड़ा ताकत मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। तो देखते रहिए, लाइक जरूर करिए अगर पसंद आए तो, और कमेंट भी कर दीजिए अगर कोई आपने हमें सुझाव देना है आगे कहाँ की वीडियो बनाए। गांव की बना, आप गांव बोलो गांव की बना देंगे, जहाँ बोलोगे वहाँ चलेंगे, के साथ चलेंगे। ये यहाँ पे ये कलडुंगू गांव है, कलडुंग बोलते हैं, कलडुंगू गांव है यहाँ पे कालाडुंगी। तो पूरे यहाँ से आगे पूरे रास्ते में होटल होटल नजर आएंगे आपको, बहुत बढ़िया। लोग आने लगे, काफी पर्यटक आ रहे हैं लाइमस्टोन इधर है। अच्छे अच्छे स्पॉट हैं, छोटी छोटी जगह हैं घूमने के लिए, बहुत सुंदर व्यूज हैं, शांत वातावरण है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए बड़े बड़े होटल, एक होटल आगे है दिखाऊंगा भी, बहुत बड़ा होटल है ये भी, काफी बड़ा होटल है। ये देखिए कितना बड़ा होटल बना हुआ है, लग ही नहीं रहा है कि पहाड़ों में बना, जितना ऊपर दिख रहा है इतना ही नीचे, इससे ज्यादा नीचे।
और देखें यहाँ पे हमें क्या मिला है, वन्य जीव मिल गया कुछ। हमारे यहाँ काकड़ बोलते हैं, जो घुड़ काकड़, घुड़ काकड़ ये हिरण की एक प्रजाति, हिरण की तरह होती है, हमारे यहाँ इनको बोलते हैं काकड़, घुड़ काकड़। तो ये सामने जो दिख रहा है ये है डेरा खाल। डेरा खाल एक छोटी सी मार्केट हुआ करती थी, अब तो बहुत विस्तार हो गया है इसका, बहुत फैल गई है। तो ये है डेरा खाल, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से। तो ये है साहब डेरा खाल। डेरा खाल में मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत सुंदर दृश्य, बड़े बड़े होटल बन गए हैं यहाँ पे। आओ आपके लिए पूरी रहने की व्यवस्था हो गई है ना। नीचे गाँव पे है ये, गाँव का नाम तो हमें पता नहीं है मेरे, बट ये है पीछे और सुंदर सुंदर। आगे भी हमने रास्ते में बहुत सारे होटल बन गए हैं। यहाँ से लैंड जोन 4 किलोमीटर है डेरा खाल से। डेरा खाल में जो है लैंड जोन का जो है परिसर शुरू हो गया है यहाँ से। तो यहाँ से आगे जो है वीडियो फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं है और इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से आगे जो है ये गढ़वाल राइफल का एरिया है पूरा लैंसडोन। यहाँ से आगे जो है गढ़वाल राइफल उसका यहाँ हेडक्वार्टर है। तो यहाँ से आगे जो है वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम नियमों का पालन करेंगे। जहाँ देश की बात आती है तो वहाँ कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। बीच का एरिया हम नहीं दिखा पाएंगे, वहाँ पे दिखाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम नहीं दिखा सकते। अब हम आगे निकल चुके हैं, गढ़वाल सेंटर जो है उससे आगे निकल चुके हैं। तो ये पार्क बना है नौसेना का, ये विमान रखा है, ये टैंक रखा है, तो देखने को मिलेगी ऐसी चीज़ें। ये एक छोटा सा चर्च है यहाँ पे और अभी एक चर्च आगे आएगा, उसे भी दिखाएंगे हम, वो काफ़ी बड़ा चर्च है। बड़ा चर्च है, बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, रोड के किनारे हैं, सुंदर है, बहुत पुराना चर्च, अंग्रेजों के जमाने का है। अभी लैंसडोन आओगे तो ये सब चीज़ें मिस मत करिएगा, अच्छी जगह है, अच्छी चीज़ें हैं देखने। अब हम पहुंच गए टिप्पन टॉप, ये टिकट काउंटर है। यहाँ से 20 रुपए पर व्यक्ति की टिकट लगती है। यहीं पे थोड़ी सी दूरी पे टिप्पन टॉप दिखाई देगा आपको, छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे। तो अब जो है हम वहाँ को पहुंचने वाले हैं टिप्पन टॉप। ये बुरांस का पेड़ है जी, इसमें फरवरी मार्च में बहुत अच्छे फूल आते हैं, बड़े बड़े लाल, इसका जूस भी बनता है फूलों का। होटल काफी बन गए यहाँ पे, होटल बहुत बन गए, ढाबे छोटे छोटे। ये मैगी पॉइंट है जी, एक छोटा सा होटल है, खाना पीना सभी मिल जाता है यहाँ पे, आपकी जरूरत की चीजें। ऐसा पहुंच गए हम टिप्पन टॉप, चोटी पे बना हुआ है, पत्थर के ऊपर बना हुआ है बिल्कुल टिप्पन टॉप, और वहां से बहुत सुंदर दिखता है। देखो जहरी खाल्स, यहाँ पे डिग्री कॉलेज हुआ करता था, वो थोड़ा आगे बिल्डिंग बन गई उसकी, और आज धुंध के कारण अच्छा व्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से पूरा हिमालय दिखता आगे,
पूरा सुंदर सा हिमालय दिखता है। आजकल धुंध है दिखाई नहीं दी, पर पूरी श्रृंखला दिखती है लंबा सा शांत चांदी का। देखिए टिप्पन टॉप मेरे ठीक पीछे हैं, लोग आगे आज कुछ हैं, काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत ठंडा हो गया, बहुत ठंडा हो रहा है आज। देखो जैकेट पहननी पड़ी है। तो हम जो है टिप्पन टॉप से अब वापस आ रहे हैं, आपको बीच बीच की जगह दिखाएंगे। टिप्पन टॉप से आज थोड़ा धुंध के कारण बढ़िया दृश्य नहीं दिखो दिखा नहीं पाए टिप्पन टॉप से सुंदर से दृश्य, क्योंकि आज थोड़ा धुंध है, धुंध के कारण हम आप दिखा नहीं पाए टिप्पन टॉप में जो है सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ से व्यू होता है वो आज दिख नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी धुंध हो चुकी है। तो ये सब यहाँ पे जो है टिप एंड टॉप लाइमस्टोन होटल बनाया है। यहाँ पे पार्किंग है, तो हम स्कूटी से आए तो हमसे हमने 10 रुपये दिए, फोर व्हीलर का शायद 50 रुपये। तो हम ये लेंस जोन की मेन मार्केट पहुँच गए हैं। ये मेन मार्केट है लेंस जोन की, ये है लेंस जोन का मेन चौराहा, मेन चौक। तो अब हम जरा खाना खा लेते हैं, लंच करते हैं, 2:30 बज गए हैं, भूख भी लग चुकी है। सादा जीवन उच्च विचार, दाल चावल सब्जी रोटी बस और कुछ नहीं। ये लेस जोन की मार्केट है सर। अब हम आपको लेस जोन की जो मार्केट है नीचे गली मार्केट डाउन यू डाउन को जाती है, नीचे को सीधे नीचे को जाती है, वो दिखाते हैं हम आपको। देखो पेड़ पे एक मचान सा बना हुआ है, पेड़ के ऊपर उन्होंने मचान बना लिया है उनको देखने के लिए। चलो हम आपको दिखाते हैं लेस जोन की मार्केट, चलते हैं नीचे को दिखाते हैं कुछ आपको लेस जोन। कभी यहाँ भीड़ होती थी, आज तो सुनसान सा हो रखा है। गर्मियों में भी अच्छी चहल पहल रहती है यहाँ पे, बट गर्मियों के लिए तो यहाँ पर ना सुंदर है। गर्मियों में ऐसे लगेगा आप मई जून में भी आओगे तो आप ऐसे लगेगा जैसे एसी में बैठे हैं, बहुत ठंडा है, पूरी ठंड हो गई है। एक बात अच्छी होती है यहाँ पे, अगर धूप निकलेगी तो बिल्कुल साफ धूप निकलती है। हम कोटद्वार से आए, कोटद्वार में बिल्कुल धुंध हो रखी है, धूप हल्की सी दिख रही है। ये दिख रही मार्केट बहुत नीचे तक ऐसी टाउन जा रखे हैं ऐसे। सामने जो दिख रहा है वो तहसील है। इधर ये मंदिर है, इधर कालेश्वर मंदिर, ये ऊपर को मार्केट मेन रोड की तरफ जा रखा है रास्ता, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। इधर कालेश्वर महादेव का मंदिर है नीचे, वहाँ हम जा नहीं पाए आज। सब लेंस जोन का मेन बाजार, सारे गर्म कपड़े मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठंडी जगह है ना।
तो साहब हम चाह रहे हैं भुल्ला ताल, यहाँ पे है भुल्ला ताल, छोटी सी झील है वो दिखाएंगे। और आज तो ट्यूजडे है तो आज झील में हमारी एंट्री नहीं हो पाई, हम बोटिंग नहीं कर पाएंगे, बट ऊपर से तो देख सकते। इसलिए देखो आज सुनसान सा वर्क है, नहीं तो यहाँ पे चहल पहल अच्छी रहती है। कालू डांडा कॉम्प्लेक्स, वेलकम टू भुल्ला ताल। ये देखिए साहब सारा बंद पड़ा हुआ है आज, टिकट काउंटर ताले लगे हैं भुल्ला ताल। तो हम ऊपर से भारी भारी दिखा देते हैं आपको, बोटिंग करने अगले दिन आ जाएंगे क्या है सुंदर। तो ट्यूजडे को जो है भुल्ला ताल बंद रहती है झील, वहाँ पे बोटिंग नहीं कर सकते उस दिन, पूरे स्टाफ की छुट्टी होती है। बतख तैर रहे हैं आज बोटिंग जो है बतख कर रहे हैं यहाँ पे। आज जो है डक्स मस्ती में अपने घूम रहे हैं पानी में। साहब ये रहा भुल्ला ताल, आप देख सकते हैं ये है भुल्ला ताल, सुंदर और अद्भुत से दृश्य। आप आइएगा जरूर देखिए, लायंस डोम के एक कृत्रिम झील है, इसको तैयार किया गया है अभी कुछ ही साल हुए इस पर, बहुत सुंदर है, अच्छी जगह में। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज इसी तरह पूरा ब्लॉग देखिए, बैठ के देखिए, तसल्ली से देखिए, समय निकाल के देखिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हम जब भी दूसरा वीडियो डालें।